नमस्कार, सीखत ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम निकल पर रहे हैं, थोड़ा सा सामने एक पहाड़ की तरह है हमारे, तो उधर जा रहे हैं। रूम के थोड़ा सा सामने ही 5 मिनट पैदल है। मैं और ये सुखदेव साथ में आए, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रास्ता, अभी उधर खदान की तरह लग रहा है। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा ऊंचा है बहुत। तो इधर से भी जा सकते हैं, पूरा इधर पूरा इलाका ये करके है। उधर सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर है, इसके पीछे भी है। हम लोग उधर भी जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। एक मंदिर भी है ऊपर। तो ऊपर में हम लोग आ चुके हैं अभी। इधर सामने देखिए, अभी बाकी है, उस तरफ जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो पहले हम कहाँ से आए हैं आप लोगों को दिखाते हैं। उधर से का इधर का व्यू आप लोग देखिए, तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग। सामने रोड है, व्यू देखिए कितना अच्छा है, एकदम मजेदार व्यू मिल रहा है। और यहाँ पे कंपनियाँ भी हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम। देखिए सुनहरा नज़ारा है, एकदम हरियाली दिख रहा है पूरा पूरा का पूरा। तो मैं यहाँ से दूर से हम लोग सोच कर रहे थे, इधर ही नज़दीक में 5 मिनट 7 मिनट लगेगा। पहले तो लगता था पहले कि ये क्या होगा, बहुत अच्छा नहीं। हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है, हवा भी इतना तेज चल रहा है कि आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। उधर रहता है, दिख नहीं रहा होगा पूरा। तो रास्ता देखिए, पूरा ऊपर से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मेरे को पहले लगता था कि ये क्या होगा उधर, तो यहाँ पे सब पहाड़ काट के ऐसे बनाया गया है, खाना में है। तो हमें तो हवा बहुत तेज हो रहा है। मैं वीडियो थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। तो इधर का नज़ारा बहुत अच्छा लगा, बहुत इधर तक ये कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा नज़ारा। तो अकेला जा रहा है, मेरे को अभी कैमरा पकड़ के हम लोग जाएंगे ऊपर टॉप पे। ये देखिए है सामने, लगेगा। चल धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इधर का नज़ारा अच्छे से देखिए, ये हम लोग नीचे से आए, ऊपर देखिए कैसे ऊपर में। चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ, देखते हैं कहाँ पे मंदिर है। तो अंकल से क्वेश्चन किया गया, सुखदेव देखिए आगे आगे चल रहे हैं, हाथ में क्या लेके जा रहा है। तो बोला कि भाई तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। देखिए नज़ारा इधर अंदर में ऐसा ही है सामने। वो देखिए इधर भी इसका दूसरा हिस्सा है, तो इधर से भी देखा जा सकता है, आप लोग देख पाएंगे। वो देखिए सामने कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा, देखिए। तो अगर साउंड क्वालिटी अच्छे नहीं हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना हुआ है कि हम माइक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है नज़ारा, तो देखिए ये हाइट बहुत है। ये देखिए यहाँ पे कब कब कुछ हो सकता है पता नहीं। तो मैं पहले इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और देखा।
ये पेड़ के नीचे क्या ढूंढ रहा है वो, लेट गया है, बोले क्या होता है इधर। ये पेड़ के नीचे छुप के बैठा है। और मंदिर वहाँ पे है सामने, वो एक ये दिख रहा होगा आप लोगों को, तो आप देखिए नज़दीक में आ गए हैं मंदिर के, सामने ही दिख रहा होगा, तो चलिए सामने से एक बार दिखा देते हैं। चलो इधर से भी तो बहुत बहुत नीचे है, और देख के नहीं चलते हैं सामने। चल चल चल, चाप ऊपर चाप, देखिए तो छोटा सा मंदिर है सामने। इधर का नज़ारा बहुत अच्छा है, ऊपर से भी देखने को अच्छा ही लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता अच्छा। देखिए तो मेरे को भी पता नहीं, भगवान का मंदिर है देख लीजिए, मंदिर अंदर में तो दिख नहीं रहा है, दिखाते हैं। ये भोलेनाथ के मंदिर है, ये बोल रहे हैं कि भोलेनाथ जी का मंदिर है। हेलो देखिए, इधर से आता तो बहुत टाइम लगता है, देखिए तो नज़दीक से आ जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ठीक है उधर का नज़ारा भी बहुत अच्छा था। हमने एक पेड़ दिखा मेरे को, तो कौन सा पेड़ है पता नहीं, नीचे देखिए कितना नीचे लग रहा है, तो कौन सा पेड़ है पता नहीं, उसका दिखा रहे हैं आप लोगों को, तो अगर कोई जानते हैं तो कमेंट करके बताइए ये कौन सा पेड़ है, मेरे को भी पता नहीं, ये जो पेड़ है मैं पहली बार देख रहा हूँ। देखिए कैसा है इसका फल, जो देखिए कैसा लग रहा है देखने को, पता नहीं ये कौन सा पेड़ है, तो देखने को बहुत बढ़िया लग रहा है। दर्शन तो हो गया, ये ऊपर से व्यू भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिखा दिया, तो आप लोग अभी नीचे उतर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।